कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों ने देखो कि मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, आप सब लोग भी काशी वाणी दीदी बहुत जल्दी ब्लॉग बनाओ करो। आप सबको बता रहे हैं मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से कोई ब्लॉग ना कोई काम करवे को मन हो रहा है। हम कानपुर में है, मेरी मम्मी कानपुर न्यू सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी अभी हम उधर ही से आए हैं, मतलब रात भर वहीं सोए थे मम्मी के पास। तो अब मम्मी के लिए खाना थोड़ो बने हैं, मम्मी खाना ना कुछ नहीं खा रही हैं, लेकिन फिर भी आधी आधी रोटी करके हम लोग खवा रहे हैं। बाल बाकी गाँव में सब लोग दीदी बड़ी दीदी सब गाँव में आए हैं, कोई नहीं है। थोड़ी देर में नहाए धोला फिर जाए हॉस्पिटल, आप सबको दिखाई है मेरे घर की ऐसी आवाज हुई की कछु पूछो ना। तो मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी है मेरी, ना मेरे पापा है ना मेरे भैया है, और मम्मी हो मेरी ठीक नहीं रहा, बिल्कुल अकेले पड़े जा रहे हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब लोग दुआ करो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक भी ना है, तो इतनी गरीबी थी तब सब लोग ठीक रहते, ना कोई बीमारी ना कुछ। आज अच्छे से खाए भी नहीं खा रहे भी खाए, तब यह बीमारी नहीं छोड़ रही। मेरी मम्मी कम से कम एक साल से बीमार है, ऐसी तो आप सबने देखो है कि खांसी आत रात है, सांस फूलत रात है। जो दिक्कत आई है वो फेफड़ों में दिक्कत है, सांस नहीं ले पा रही थी, दो दिन हो गए हॉस्पिटल में। हाँ हेलो गैस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख रहे हो वीआर ब्लॉग चैनल। तो गैस मैं ब्रजेश कुमार और आज एक सवानी का नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोग के बीच में। गैस सवानी की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो इसके लिए अभी सवानी जी वीडियो नहीं डाल पा रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो का इंतज़ार करिए, वीडियो उनका आएगा ज़रूर। और गैस हाल ही में मालूम होगा आप लोग को कि सवानी के मामे भी एफआईआर हो गए हैं, तो इसके लिए सवानी भी बहुत बीमार हैं, अभी अस्पताल में एडमिट हो सकते हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल बीमार हैं। तो गैस आप लोग दुआ करो सवानी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हम लोग के बीच में सवानी का नया ब्लॉग आने लगे, दुआ करो यही। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।